दोस्तों, अगर आपको भी बहुत ज़्यादा डैंड्रफ की प्रॉब्लम है, आपके स्कैल्प में ईचिंग होती है, सर हमेशा खुजलाना पड़ता है, बालों में फोड़े से निकल आते हैं और बहुत ज़्यादा ऑयली आपका स्कैल्प है, तो जाहिर सी बात है आपको डैंड्रफ जैसी जो समस्या है वो देखने को मिलती होगी, खासकर जब मानसून आता है तब देखने को मिलती होगी और साथ में जब ठंड आता है तो भी आपको काफ़ी ज़्यादा डैंड्रफ देखने को मिलता होगा। तो आज के इस वीडियो में मैं उसका सॉल्यूशन लेकर आई हूँ, तो वीडियो पूरा देखिएगा, लास्ट तक देखिएगा, ध्यान से देखिएगा। हेलो फ्रेंड्स, मैं मेधावी और आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है मेरे चैनल जिंदगी इजी में, जहाँ आपको मिलता है जिंदगी जीने के आसान टिप्स। तो दोस्तों, अभी तक आपने जिंदगी इजी को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब का बटन दबा दीजिए और साथ में बगल वाले बेल आइकन को ज़रूर दबा दीजिएगा ताकि आप मेरे लेटेस्ट वीडियोस को मिस ना करें। तो दोस्तों, जिन प्रॉब्लम्स का मैंने जिक्र किया, अगर वो सारी समस्या आपको फेस करनी पड़ रही है तो आपको इस्तेमाल करना होगा इस शैम्पू का। ये है सेलसन शैम्पू। जी हाँ, इसके अंदर मिला है सेलेनियम सल्फाइड जो कि कारगर साबित होता है आपके डैंड्रफ के फंगी को मारने में। सेलसन शैम्पू अपने ड्यूअल एक्शन बेनिफिट से आपके बालों से डैंड्रफ को निकालने में कारगर साबित होता है। ये शैम्पू आपके बालों में होने वाले डैंड्रफ के रूट कॉज पे काम करता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है दोस्तों। बहुत सारे शैम्पू क्लेम करते हैं कि आपके बालों से डैंड्रफ को वो हटा देंगे, निकाल देंगे, जड़ से ख़त्म कर देंगे, पर क्या होता है, थोड़े समय के लिए जब तक आप शैम्पू का इस्तेमाल करते हैं डैंड्रफ चला जाता है, पर वापस से जो डैंड्रफ है वो आ जाता है। पर ये शैम्पू दावा करती है कि ये आपके डैंड्रफ की प्रॉब्लम के रूट कॉज पे जाकर काम करती है और उसको जड़ से ख़त्म करने की क्षमता रखती है, मतलब कि जो स्कैल्प पे जो फंगी होते हैं उसको ये मारता है, जिससे कि जो डैंड्रफ का ग्रोथ है वो ना हो, वो ख़त्म हो जाए और बार बार जो डैंड्रफ वापस आने की टेंडेंसी है वो पूरी तरह से ख़त्म हो जाए। ये आपके स्किन सेल्स को बनने नहीं देता है, फ्लेकिंग और ईचिंग से आपके स्कैल्प को प्रिवेंट करता है। दोस्तों, इस शैम्पू का इस्तेमाल मेल फीमेल दोनों ही कर सकते हैं। इसके अंदर जो सेलेनियम सल्फाइड मिला हुआ है उसके अंदर माइक्रोबिसाइडल प्रॉपर्टीज़ होती हैं, जिसकी वजह से जो आपके फंगी का ओवरग्रोथ है स्कैल्प पे वो नहीं होता है। ये शैम्पू आपके डैंड्रफ कॉजिंग फंगी को ही मार देता है, तो खिस्सा ही ख़त्म हो जाता है, मतलब जड़ से चीज़ों को ख़त्म कर देता है। ये इसका बेनिफिट है। सेलसन शैम्पू अगर आप लगाना स्टार्ट करते हैं तो जो आपको बेनिफिट्स होते हैं उसके बारे में मैं आपको बता देती हूँ। सबसे पहले तो जो आपके ऑयली स्कैल्प की प्रॉब्लम है, बहुत ज़्यादा ऑयल रहता है स्कैल्प पे, उस समस्या को ये ख़त्म कर देता है, मतलब कि स्कैल्प पे जो एक्सेसिव ऑयल होता है उसको ये हटा देता है। सेकेंड थिंग, जो स्कैल्प में ईचिंग होती है, इरिटेशन होती है, उसको ये हटा देता है, ख़त्म कर देता है। जो फ्लेक्स बनते हैं, जो मैंने कहा ना वाइट वाइट जो फ्लेक्स होते हैं, उसको ये क्लीन कर देता है, क्लियर कर देता है। और सबसे बड़ी बात, उस फंगी को मारता है जिसकी वजह से आपके स्कैल्प में डैंड्रफ होता है। तो चलिए अब इसको इस्तेमाल करने का तरीका जान लेते हैं। इसको इस्तेमाल करने के लिए सबसे पहले आपको अपने बालों को किसी भी शैम्पू से वॉश करना होगा। जी हाँ, क्योंकि जो हमारे बाल होते हैं उसमें ऑयल होता है, उसमें बहुत सारे डर्ट होते हैं, पॉल्यूशन होते हैं, और ये शैम्पू काफ़ी ज़्यादा कॉस्टली भी है, प्लस ये बहुत अच्छे तरह से आई डोंट थिंक सो कि ये साफ़ कर पाता है आपके बालों को। तो आप ऐसा करें कि रोज़मर्रा का जो शैम्पू आप इस्तेमाल करते हो ना, उससे पहले अपने बालों को धो लें। क्या होगा कि जो भी ऑयल होगा, डर्ट होगा, पॉल्यूशन होगा, वो बहुत हद तक उस शैम्पू से निकल जाएगा। उसके बाद आपको इस्तेमाल करना है सेलसन शैम्पू को। सेलसन शैम्पू का उसके बाद आपको थोड़ा ही अमाउंट लगेगा, ज़्यादा लेने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि अगर आप फर्स्ट टाइम इसका इस्तेमाल करेंगे ना, तो मैं आपको बता रही हूँ अपने एक्सपीरियंस से, मतलब इतना बड़ा डब्बा है ना इसका, इतना शैम्पू लग जाता है। तो इसीलिए अगर आप पहले किसी और शैम्पू से वॉश करने के बाद अगर इसको लगाते हैं तो थोड़े से, इतने से अमाउंट में भी आपका काम हो जाता है। जो तरीका मैं आपको बता रही हूँ, अगर उस तरीके से आप इस शैम्पू का इस्तेमाल करेंगे तो काफ़ी ज़्यादा किफ़ायती होगा, बहुत दिनों तक चल जाएगा। मेल्स के जो बाल हैं वो छोटे होते हैं तो वो इसे डायरेक्टली लगा सकते हैं, उनके लिए ओके है, बट फीमेल की मैं बात कर रही हूँ यहाँ पे। फीमेल के बाल लंबे होते हैं तो उनके साथ ये प्रॉब्लम आती है, उनको ज़्यादा क्वांटिटी में शैम्पू चाहिए होता है। इसीलिए जो तरीका मैं आपको बता रही हूँ उस तरीके से आप इस शैम्पू का इस्तेमाल करें। इसके बाद आप इसका जो भी अमाउंट लेंगे वो इनफ होगा आपके स्कैल्प के लिए।
उसके बाद आपको क्या करना है, अपने स्कैल्प पे से अच्छे से मसाज देना है, रब करना है अच्छे से, जब तक कि अच्छा खासा लेदर क्रिएट ना हो जाए। 2 से 3 मिनट के लिए आप इसे एज इट इज़ अपने बालों पे रहने दें लगा हुआ। उसके बाद नॉर्मल वाटर से आपको अपने स्कैल्प को, बाल को धो लेना है, वॉश कर लेना है, बस इतना सा काम करना है। और हफ्ते में 2 बार इस शैम्पू का इस्तेमाल करना है, 2 वीक तक हफ्ते में 2 बार आपको लगाना है। उसके बाद हफ्ते में 1 बार लगाना शुरू कर दें। अगर आपको दिख रहा है कि आपका डैंड्रफ चला गया है पूरी तरह से, तो इसे लगाना आप बंद कर सकते हैं, पर अगर जो डैंड्रफ है वो आपको दिख रहा है तो आपको हफ्ते में 1 बार लगाना शुरू कर देना है। इसे बहुत लंबे समय के लिए मत लगाइएगा, मैं आपको बता दूं कि 1 महीना इनफ होता है, 1 महीने से ज़्यादा इसका इस्तेमाल मत करिएगा। बहुत वर्जन कंडीशन है, बहुत ज़्यादा वर्स्ट कंडीशन है, तो फिर 2 महीने तक आप इसे स्ट्रेच कर सकते हो। मेरे हाथ में जो ये बॉटल है ये 120 ml है और इसकी प्राइस है 348 rupees। जी हाँ, आप ऑनलाइन लेते हैं आपको अच्छा खासा इस पर डिस्काउंट मिल जाता है, बट ज़्यादा भी नहीं मिलता है तो ठीक है। और बाकी ये चल जाता है, मतलब अगर आप इसे 1 बार परचेस करते हो और मेरे बताए गए तरीके से लगाते हो तो आपका 1 महीने ये आराम से चल जाएगा। तो चलिए अब मैं आपको सेलसन शैम्पू से रिलेटेड कुछ बातें बता देती हूँ, अपना एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर करती हूँ। सबसे पहली बात, जब आप इसे लगाते हो ना स्कैल्प पे, तो बहुत एक टिंगलिंग सेंसेशन, चुन 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 होता है स्कैल्प पे, आपके बाल बहुत ही ज़्यादा क्लियर और क्लीन नज़र आते हैं। इसको लगाने से आपके बाल थोड़े से रुखरे हो सकते हैं, थोड़े से आपको रफ नज़र आ सकते हैं, थोड़े से, ज़्यादा नहीं, पर हो सकता है ऐसा। इसीलिए मैं आपको कहूँगी कंडीशनर ज़रूर लगाइएगा, कंडीशनर का इस्तेमाल ज़रूर करिएगा, नहीं तो आपके बाल बहुत ज़्यादा रफ नज़र आएंगे ड्राई होने के बाद। आपके सिम्टम्स में आपको फ़र्क महसूस होगा, आपके जो डैंड्रफ में कमी आपको बिल्कुल नज़र आएगी, 110% कमी नज़र आ जाती है। अगर आप 2 वीक 3 वीक लगाकर छोड़ देते हो तो फिर आपको जो रिज़ल्ट है वो 50% ही देखने को मिलता है। वापस से अगर आप इसे लगाना बंद कर देते हो तो डैंड्रफ वापस से आ जाता है, मतलब डैंड्रफ चला जाएगा, नो डाउट चला जाएगा, मैं ये नहीं कह रही नहीं जाता है, चला जाता है, बट वापस से रीअकर हो जाता है, रीअकरेंस हो जाता है डैंड्रफ का, मतलब हमेशा के लिए नहीं जाता है। बस हाँ, एक डिमेरिट है शैम्पू की, इसकी जो फ्रेग्रेंस है ये बहुत अजीब सी है, दवा की तरह स्मेल आती है, तो थोड़ी सी अजीब सी स्मेल है। दोस्तों अगर इस वीडियो से रिलेटेड आपके जहन में कोई सवाल है, कोई क्वेरी है, तो कमेंट सेक्शन में आप लिखकर मुझसे पूछ सकते हैं। अगर कोई फीडबैक देना चाहते हैं तो भी आपका वेलकम है, कॉमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। अगर आप मुझसे कोई रिक्वेस्टेड वीडियो चाहते हैं तो भी आप कॉमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं, नहीं तो आप मुझसे पर्सनली कनेक्ट होना चाहते हैं तो मुझे इंस्टाग्राम पे जिंदगी इजी पे फॉलो करके DM कर सकते हैं। दोस्तों अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो लाइक देना मत भूलिएगा और इस यूजफुल इंफॉर्मेटिव वीडियो को अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ शेयर करना मत भूलिएगा, ज़रूर शेयर कर दीजिएगा। आज के इस वीडियो में बस इतना ही, अपना ख्याल रखिएगा, बाय।